गुड इवनिंग एवरी वन वाई प्रिफर्ड लैंग्वेज टू आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश वर्ड यू प्रीफर हिंदी ओके तो दोस्तों एक्चुअली आज मैं इस शाम को जो आया हूँ वो इतनी खुशी हो रही है आके और मैंने अपने आप को बुलवाया है आज के फंक्शन में तीन चार दिन पहले की बात है मैंने uh, चय और साईपल्लीवी का ट्रेलर देखा लव स्टोरी का चार दिन पहले की बात है तीन या चार दिन पहले की बात है एवरीबडी फॉलोज हिंदी ना या ओके तीन चार दिन पहले मैंने ट्रेलर देखा मुझे बहुत पसंद आया मुझे इतना पसंद आया कि मुझे मैंने चे को टेक्स्ट किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पता चला कि यहाँ आज एक इवेंट है तो मैंने चे को बोला मैं आ सकता हूँ इवेंट में तो बेचारे उन लोग को मुझे ज़बरदस्ती इन्वाइट करना पड़ा लेकिन एक खास वजह है मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ क्योंकि बहुत मतलब हाल ही में कुछ ही हफ्ते पहले हम लोग साथ में काम कर रहे थे जय और मैं साथ में काम कर रहे थे हमारी फिल्म जो साथ में बन रही है और मैं आज यहाँ जो आया हूँ ना सिर्फ एक वजह से आया हूँ क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चय के साथ काम करने का वो इतना खास इतना इतना स्पेशल रहा है कि मैं यहाँ आज इसलिए आया हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं चय को बोल रहा था कि आपके पेरेंट्स को मुझे बताना है कुछ आपके पेरेंट्स को मुझे कुछ बताना है तो मैंने इनके फ़ादर का नंबर भी लिया इनके मदर लक्ष्मी जी का भी नंबर लिया फिर मैंने सोचा मैं इधर ही आके बताता हूँ तो वो चीज़ जो मुझे बतानी थी ना सिर्फ चय के पेरेंट्स को पतानी थी इसके फैमिली को पता नहीं थी लेकिन चय की जो बड़ी फैमिली है जो उसके फैंस हैं उनको मुझे यहाँ आके बताना था कि मैं क्यों आया हूँ इस इंसान के साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लगा बहुत लोगों के साथ हम काम करते हैं लेकिन कभी कभी एक ऐसा इंसान मिलता है जो ना सिर्फ एक अच्छा एक्टर है ना सिर्फ एक अच्छा क्रिएटिव इंसान है लेकिन एक इंसान के तौर पे वो आपका दिल छू जाता है और ये बात मैं आप लोगों को कहने आया हूँ क्योंकि मैं पहली दफ़ा मिला जैसे तो so, इसके जो लोग नज़दीक हैं इसके पेरेंट्स इसकी फ़ैमिली और इसके फैंस, उनको मैं बोलना चाह रहा था कि कितना ख़ास आदमी है ये और ख़ास तौर से इसके पेरेंट्स को मुझे ये बोलना है कि जो परवरिश इनके पेरेंट्स ने दी है इसको वो इतनी कमाल की दी है कि ये बहुत अच्छा इंसान हमारे सामने आया है सो आई वॉन्ट टू थैंक योर पेरेंट्स चे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड चे के साथ जब मैं पहली दफ़ा हम लोग मिले और हम लोग ने काम शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं जिससे मिल रहा हूँ मैं पहली दफ़ा नहीं मिल रहा हूँ मैं ऐसा लगा कि मैं सालों से जानता हूँ चे को एंड ऑलमोस्ट एवरी डे मी एंड माई टीम वी मिस यू चे सो आई एम सो हैप्पी टू बी हेयर टू डे टू सी दिस वंडरफुल इवेंट जो आपकी फिल्म के लिए जो आपकी चौबीस को रिलीज़ हो रही है ऑन द ट्वेंटी फोर्थ योर फिल्म इज रिलीजिंग लव स्टोरी एंड आई एम सो एक्साइटेड आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी And I'm also going to see on 24th only. <laughs> not before, not after. 24th, and I will also see in a theater only. Now, I know that Maharashtra, the theaters may not be open, but we will try and get permission, at least for a private screening, if the authorities allow. Then I would like to see it in a cinema hall. You know, in a private screening hall or something, if we get the permissions. But I would like to see it with you all on the 24th. <laughs>

मैंने सयाही की कई गाने देखे हैं यूट्यूब पे मैंने फिल्म अभी तक नहीं देखी है माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ लेकिन मैं बहुत जल्द आपकी फिल्म देखने वाला हूँ एंड बट फ्रॉम द टाइम आई सो फर्स्ट क्लिप हर्स आई बिकेम अ फैन एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव मैट यू टूडे या माई बेस्ट विशेज टू सुनील जी द प्रोड्यूसर एंड शेखर द डायरेक्टर योर इंटायर टीम योर लिरिक राइटर्स योर म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर्स DOP, editor, they're all here. Uh, this is a moment for you all to celebrate and enjoy. You've worked very hard. You've come to the end of the journey. And I wish you all all the success for this film. Thank you so much.